36,000 कच्चे मुलाजमान को पक्के करन दे चरणजीत चन्नी के दावे की मुड़ तो हुण पोल खुल चुकी है। जी हाँ, सीएम चन्नी के दावों खुद राजपाल ने नकारिया। राजपाल ने कहा कि मुलाजमान को पक्के करन दा बिल 31 दिसंबर नूं ही सरकार नूं वापस भेज दिता गया सी। सरकार वालों भेजी गई फाइल के उपर कुछ सवाल पूछे गए सी। जी हाँ, राजपाल बनवारी लाल पुरोहित का बयान है, पंजाब सरकार ने हाले तक जिहड़े सवाल पूछे सी उसका जवाब नहीं भेजा। सरकार के जवाब तो बाद दोबारा फाइल की घोख की जाएगी। दस दिए कि चरणजीत चन्नी ने राजपाल के मुलाजमान को पक्के करने वाली फाइल दबाने का इल्जाम लगाया सी। इत्थों तक कि चरणजीत चन्नी ने कहता सी कि असी राजपाल नूं जाके मिलांगे, राजभवन के बाहर धरने भी देवांगे, पर किस ढंग के नाल झूठ से झूठ झूठ से झूठ बोल रहे हैं चरणजीत चन्नी। खुद राजपाल बनवारी लाल पुरोहित को सामने आना पिया। राजभवन तो जो बयान सामने आया, स्पष्ट किया गया कि जिहड़ा बिल सी उह वापस भेज दिता गया सी। मुलाजमान को पक्का करन दा बिल 31 दिसंबर नूं ही सरकार नूं वापस भेज दिता सी, पर सरकार ने हाले तक उस ते कोई जवाब नहीं दिता। सरकार दे जवाब तो बाद दोबारा फाइल की घोख की जाएगी। सो चरणजीत चन्नी कह रहे सी कि राजपाल वल्लों सियासत की जा रही है, जबकि हुण चरणजीत चन्नी दे बोले गए झूठ की पोल एक बार मुड़ तो सारे दे सामने खुल चुकी है। ऐसे खबर के अपडेट लिए फिलहाल सीधा रुक करांगे, साडे नाल साडे सहयोगी अमन इस वेले जुड़ चुके ने। अमन, वाकई जी पहला तो चरणजीत चन्नी का बयान ही बड़ा हैरानीजनक सी, जिस ढंग दे नाल उन्होंने गवर्नर हाउस के उपर खुद गवर्नर के उपर जिस ढंग नाल इल्जाम लगाए सी, फाइल नूं दबाउण दी कोशिश करन दे इल्जाम राजपाल के उपर लगाए सी, पर हुण खुद राजपाल ने मोड़वा जवाब दिता और तत्थां दे आधारित है जवाब। वाकई जी चरणजीत चन्नी की पोल खोलदा विखाई दे रहा। अमित, साफ तौर पर क्योंकि चरणजीत चन्नी लेके मुख्यमंत्री लेके हमेशा देखा गया है कि कितों भी होण हरेक जगह ही बयान दे देंगे ने, और इन्ना वध चढ़ के बयान दे देंगे कि खुद ही अपने जिहड़े बयान होंगे उन्हें च घिर जाते हैं और बार बार इसी नूं लेके उन्होंने बयानों लेके सवाल खड़े होंगे ने। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ कह दिता कि पोलीटिकल वेंडेटा है बीजेपी ने सेंटर गवर्नमेंट की सरकार के तहत जिहड़ा है वह राजपाल जिहड़ा वह फाइल क्लीयर नहीं कर रहे और साडे काम नूं जिहड़ी है प्रवानगी नहीं मिल रही। लेकिन हुण उसी बयान का जिहड़ा है वह कच्चा चिट्ठा गवर्नर ने बयान राही खोल दिता है कि कदों फाइल आई कदों क्लीयर हुई। इतों तक मैंशन है कि दिसंबर नवंबर 11 नवंबर नूं पंजाब असैम्बली च बिल पास होया और दिसंबर नूं जाके 1 दिसंबर नूं जाके जिहड़ा है तकरीबन 20 तों 25 दिन बाद फाइल जिहड़ी है वह गवर्नर हाउस पहुँच गई है और क्वेरीज लई अब 6 पॉइंट ने जिन्हों के अंदर हाईकोर्ट का जिक्र है, एजी अतुल नंदे का जिक्र है और 1000 करोड़ तकरीबन 800 तों 900 करोड़ रुपया जो वक् वक् तरीके दे नाल सरकार ते खजाने ते बोझ पैना है उसका भी वेरवा जिहड़ा है वह गवर्नर वल्लों मंगिया गया। कुल 6 पॉइंट की क्वेरीज जिहड़ी है वह मुड़ दिसंबर के अंदर 31 दिसंबर दोबारा सीएमओ दफ्तर भेजी गई जिसकी रिसीविंग तक जिहड़ी है सीएमओ दफ्तर के अंदर हैगी है, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं आया और यह साफ तौर पर जरूर सरकार की जिहड़ी काम करने की इच्छा शक्ति हैगी है, मंशा हैगी है, उसनों जाहिर कर रहा है और सरकार कर की रही है, बोल की रही है, उसनों भी जाहिर कर रहा है। राजपाल वालों गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वालों साफ तौर पर बयान से किया गया है कि फाइल 21 दिसंबर आई और दिसंबर 3 जी 31 दिसंबर वापिस 6 क्वेरीज वापिस भेज दी गई और उसका जवाब तक जोड़ा है वह मुख्यमंत्री वालों नहीं दिता गया। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि गवर्नर ने फाइल क्लीयर नहीं की है जिसके चलते कैबिनेट मुलाकात भी करेगी और धरना तक जोड़ा है वो दिता जाएगा राजपाल दे। वाकई जी वेखना होगा कि हुण किस ढंग दे नाल चरणजीत चन्नी राजपाल वालों दिए गए इस जवाब को कवर अप करते हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया इस सारी खबर साडे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए अमन। वाकई जी जबरदस्त रोष है मुलाजमान के विच, क्योंकि मुलाजम तो लभ रहे हैं मुलाजम कि आखिरकार किन्हां नूं पक्के करन दा दावा किया जा रहा, पर वाकई जी चरणजीत चन्नी का झूठ एक बार मुड़ तो बेपरदा किया है खुद राजपाल ने।